ये 25 ग्राम मिल्क पाउडर है करीब। तो आज हम व्रत वाली आइसक्रीम बनाएंगे। इसके लिए हम 1 गिलास फुल फैट क्रीम को गैस पर उबलने के लिए रख देंगे। ये दूध हमारा उबल गया है, गैस को सिम कर देंगे। 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। मिल्क पाउडर मीठा होता है तो हम 2 चम्मच चीनी डाल देंगे और इसको गाढ़ा होने तक पका लेंगे। दूध में उबाली आ गई है और अब गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करने के बाद इसमें हम एसेंस डालेंगे। ये दूध हमारा ठंडा हो गया है, इसको हम एक कंटेनर में डालकर और फ्रिज में जमने के लिए रख देंगे। ये जो हमने आइसक्रीम जमाई थी अब ये जम गई है। अब इसको बीट करेंगे, इसको या तो बीटर से बीट करेंगे या फिर, तो ये शेक बनाने वाला जगह है इसमें हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो इसको ऐसे काट कर डाल देंगे। तो ये फ्रेश मलाई है, तो इसको फ्रेश मलाई को थोड़ा दूध के साथ ले लेंगे, एकदम गाढ़ी मलाई नहीं लेनी। तो आधा कटोरी मलाई की इसमें डाल देंगे और इसको 4 मिनट के लिए 1 नंबर पर मिक्सी चलाकर इसको बीट कर लेंगे। क्रीम को 4 मिनट के लिए मिक्सी में मिक्स कर लिया है। अब ये मिक्स ड्राई फ्रूट इसमें काट कर डाल देंगे। ये देखिए इनको काट लिया है। अब इसमें डाल के इसको एक बार और चला लेंगे 2-3 सेकंड के लिए। ड्राई फ्रूट डाल के मिक्सी में फिर से मिक्स कर लिया था आइसक्रीम को। अब इसमें 2-3 बूंद ये इमल्शन डाल देंगे कोई भी फ्लेवर का। ये मैं इसमें पाइनएप्पल का इमल्शन डाल रही हूँ और इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब इसको फिर से जमा देंगे। तो ये आइसक्रीम जम गई है, अब इसको हम सर्व करते हैं। ये आइसक्रीम हमारी बन गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।